Shivaya. Om Namah Shivaya. हमारे ग्रंथ बताते हैं धर्म के तीन पक्ष हैं, प्रतीकात्मक जो प्रतीत होते हैं, उपासनात्मक स्वरूप जिसकी हम उपासना करते हैं, और दार्शनिक तत्व। आज अधिकांश लोग प्रतीकों और पूजा उपासना को ही धर्म मान बैठे हैं। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, लोग अपने अपने जन्म से जो जहां पैदा होता है सोचते हैं हम उसी धर्म को मानने लगते, बाह्य धर्म को, प्रतीकात्मक को ही अपना धर्म, जो प्रतीत हो रहा उसको ही अपना धर्म मान लेते हैं। कोई हिंदू घर में पैदा हुआ है तो सोचता है कि मैं हिंदू हूं। कोई जैन के घर पैदा हुआ तो अपने आप को वो जैनी मानने लगा। कोई सिख धर्म में पैदा हुआ तो वो कहता मैं सिख हूं। कोई ईसाई धर्म में पैदा हुआ तो सोचता मैं ईसाई हूं। ये बाह्य धर्म को ही अपना वास्तविक धर्म हम मानने लगते हैं। मत पंथ मजहब पैगंबरों के द्वारा जिस मत की स्थापना होती है हम उसी को धर्म मानने लगते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वास्तविक धर्म क्या है और अधर्म क्या है। भगवान गीता में कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि तरिष्यसि। तू बाहर के सब धर्मों को, जहां धर्म की बात आती है तो ये मन में संदेह होता है कि कहीं भगवान हमें हिंदू धर्म छोड़ने के लिए तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं भगवान सिख धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म। गीता में जिस धर्म की भगवान बात करते हैं ये बाह्य धर्म की, प्रतीकात्मक जो धर्म दिख रहे हैं उसकी बात नहीं करते। भगवान कहते हैं धर्म क्या है, धारयति इति धर्मा। जो सबको धारण किया हुआ है, जिसकी सत्ता से समस्त सृष्टि का संचालन हो रहा है, जिसकी सत्ता से समस्त ग्रह नक्षत्र सूर्य चंद्रमा धरती सभी अपने अपने स्थान से चलायमान हो रही है, जिसकी सत्ता से सबको धारण किया हुआ है, वो वास्तव में सच्चिदानंद स्वरूप सबका जो आत्मा है, उस आत्मा में आने के लिए भगवान कहते हैं कि बाह्य धर्मों को छोड़ करके और अपने निज आत्मा की ओर आना ही वास्तविक धर्म है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, तू मेरी शरण आ जा। धर्म क्या है, अधर्म क्या है, भगवान फिर कहते स्वधर्मे निधनम श्रेयम पर धर्म भयावह, अर्थात अपने धर्म में मर जाना अच्छा है लेकिन पर धर्म में
जीना भी बेकार है। तो फिर धर्म की बात आ गई, तो पर धर्म क्या है? हम शरीर को, देह को, जैसे आता है ना कि धर्म ग्रंथ बताते हैं कि तीन पक्ष होते हैं, प्रतीकात्मक जो प्रतीत हो रहा है, यह मंदिर है, ये वो तीर्थ है, वो तीर्थ है, वो तीर्थ है। ये बाह्य तीर्थ प्रतीतात्मक को ही अपना धर्म मान गए, उस उपासनात्मक स्वरूप और दार्शनिक तत्व, ये प्रतीतात्मक और उपासना स्वरूप को तो हम अपना धर्म मान बैठे, लेकिन दार्शनिक तत्व, इसके पीछे जो तत्व भगवान बताना चाहते हैं, उस तत्व को हम भूल गए। बाहर के धर्म को ही अपना धर्म मान लिया, लेकिन भगवान कहते हैं अपने निज स्वरूप की ओर आना ही, अपनी आत्मा की तरफ आना ही वास्तविक धर्म है, और आत्मा से जितना दूर हम जाते हैं वही अधर्म है। काम में जीना, क्रोध में जीना, लोभ में, अहंकार में, घृणा में, ईर्ष्या में, द्वेष में जीना, ये परधर्म है। लेकिन आत्मतत्व, शिव तत्व की ओर आना, वही वास्तविक धर्म है। तो दर्शन जो है, दर्शन तत्व धर्म के हर पहलू के पीछे एक दार्शनिक रहस्य है, जो गहरा है, सनातन है और अलौकिक हुआ करता है। वो सत्य सनातन है, आदि अनादि है, जो पहले था, अभी है, और हमारे इस देह के रहने के बाद भी, मरने जाने के बाद भी जो रहता है तत्व, उस तत्व को पाकर फिर संत भी वही कहते हैं, आद सच नानक जी ने कहा, जुगात सच है भी सच नानक, हो से भी सच। तो सनातन और अलौकिक तो उसी के स्वरूप में ये महाशिवरात्रि हर साल आती है। पूरे भारतवर्ष में ये त्यौहार आस्था और महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, और इस दिन भक्त श्रद्धालु बड़ी संख्या में, जहाँ जहाँ भी भगवान शिव के मंदिर होते हैं, उमड़ते हैं, शिवलिंग की धूप, दीप, वेलपत्र, दूध निर्मित जल आदि नैवेद्य से विधिपूर्वक उपासना भी करते हैं। इस दिन व्रत व भगवान शिव के नाम का जप अथवा स्मरण करने का भी विशेष विधान है। तो हर साल हम इसी तरह परंपरागत ढंग से, रीति रिवाजों के साथ महाशिवरात्रि मनाते हैं और हर्षित भी होते हैं। लेकिन इस उत्सव की धूमधाम में हम पर्व के सूक्ष्म और सच्ची धुन को नहीं सुन पाते। बाहर की उपासना प्रतीतात्मक जो दिख रहा है, उसकी पूजा अर्चना, जैसे कल बापू जी से सिरमुख से हमने सुना कि भगवान का जो विग्रह है, कि भगवान आशुतोष, भगवान शिव के समक्ष नंदी का स्वरूप है, तो वो क्यों है? उसके आगे कछुआ है। तो सबका दार्शनिक तत्व कुछ अलग है, लेकिन दार्शनिक तत्व को भूलकर जो प्रतीत होने वाला है बाह्य तीर्थों को, बाह्य मंदिरों में ही पूजा उपासना अर्चना को ही हमने वास्तविक धर्म मान लिया। तो भगवान शिव और उनसे जुड़े हर पहलू में एक गूढ़ तत्व है और एक मार्मिक प्रेरणा है, जो वहीर जगत का नहीं, अंतर जगत से हमें जोड़ता है। और इसी प्रेरणा को उजागर करने के लिए हर साल
हम भगवान भोलेनाथ के सहस्त्र नामों से, भगवानों के अनेक नाम हैं, तो प्रभु के दिव्य नामों में छिपे दिव्य संकेतों को हम समझ पाए, शिवरात्रि हम सब के भीतर का जो वास्तविक शिवाला है उससे हम निहाल हो, खुशहाल हो, इसलिए शिवरात्रि का ये पर्व माना जाता है। कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 35 में शूत जी से एक जिज्ञासु प्रश्न करता है हे सूत जी, देवादिदेव भगवान शंकर मुझे कहाँ मिलेंगे? शिव मंदिर में, शिवालय में, अमरनाथ पर, काशी में? मैं अपने भोले बाबा को पाना चाहता हूँ, इनके लिए कहाँ जाऊँ और क्या करूँ? क्या यह संभव भी है? तब सूत जी कहते हैं कि हे जिज्ञासु सुनो, भगवान शिव के शैवम नाम सहस्त्रकम, भगवान शिव के एक नाम दो नाम नहीं, सहस्त्र नाम है, हजारों नाम है, उन्हीं में एक है वैघ्य अर्थात जानने योग, विज्ञेय अर्थात जिन्हें जाना जा सकता है। इसका अर्थ हुआ कि निसंदेह भगवान शिव को जानना अर्थात पाना संभव है, पर प्रश्न उठता है कि उन्हें किस प्रकार हम पा सकते हैं। तो भगवान शिव के हजारों नामों में कोई भी वर्णन ऐसा नहीं मिलता जो संकेत देता हो कि उन्हें किसी मंदिर में, तीर्थ में या बाहरी स्थल पर जाकर जाना जाए या पाया जाए, अपितु इस धारणा से अलग उनका एक नाम है ज्ञानगम्य, अर्थात जिन्हें ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है या अनुभव किया जा सकता है। और शिवपुराण की रुद्र संहिता के अध्याय 43 में स्वयं महादेव भगवान भोलेनाथ प्रजापति दक्ष से कहते हैं, वेद वेदांग के पारगामी विद्वान ज्ञान के द्वारा मुझे जान सकते हैं और जिनकी मंद बुद्धि है वे मुझे ज्ञान के बिना पाने का प्रयत्न करते हैं। तो दरअसल यहाँ शिव शंकर ज्ञान कहकर ब्रह्मज्ञान या आत्मज्ञान को संबोधित करते हैं। तो ब्रह्मज्ञान या आत्मज्ञान की दीक्षा पाने पर महादेव एक साधक के समक्ष प्रकट हो जाते हैं, इसलिए शिव नामों की श्रृंखला के ये नाम भी वर्णित है, ध्येय ध्यान धरा, जो ध्यान के आधार हैं, माने जिन पर एक साधक ध्यान केंद्रित कर सकता है, समाधि विज्ञेय जिन्हें साधक समाधि या ज्ञान ध्यान की अवस्था में देखता है, जानता है। तो हमें सदगुरु से दीक्षा मिलती है और सदगुरु के द्वारा जो हमें मार्ग बताया जाता है, भगवान भोलेनाथ भी वही कह रहे हैं और सूत जी जिज्ञासु से वही कह रहे हैं। जिज्ञासु कहता है, भगवान मैं तो ये समझ गया कि मेरे भोले शंकर को ब्रह्मज्ञान के माध्यम से ध्यान लगाकर ही जाना जा सकता है, वे ब्रह्मज्ञान द्वारा ध्येय रूप के साधक के लिए प्रकट होते हैं, पर ऋषिवर उनका यह ध्येय स्वरूप कहाँ प्रकट होता है, कहाँ पर ध्यान लगाकर उन्हें देखा जा सकता है? तो सूत जी कहते हैं, विप्रवर कहीं बाहर नहीं, स्वयं अपने भीतर ब्रह्मज्ञान से भगवान का ध्येय स्वरूप साधक के अंतर हृदय कमल में प्रकट होता है, और अध्यात्म की भाषा में माने तो ऊपरी और आंतरिक भाग हृदय कमल या हृदय आकाश उसको कहा जाता है। तो भगवान शिव का प्रकटीकरण ब्रह्मज्ञान के माध्यम से इसी आंतरिक स्थल पर होता है, तभी भगवान शिव को इन नामों से पुकारा जाता है, अर्थात हृदय कमल में स्थित और आंतरिक हृदय के मणि समान स्फुट। जिज्ञासु कहता कि प्रभु इसका मतलब है कि
मेरे शिव जी कहीं बाहर नहीं, मेरे भीतर ही हैं। बस ब्रह्मज्ञान द्वारा उन्हें प्रकट करना है। पर मुनिवर, महादेव किस रूप में हमारे भीतर प्रकट होंगे, किस स्वरूप में? तब सूत जी कहते, हे जिज्ञासु, वैसे तो महादेव शिव सगुण और निर्गुण दोनों रूप में विराजमान रहते हैं, तभी उनका नाम सकलो निष्कला है, अर्थात साकार और निराकार परमात्मा। परंतु प्रभु का विशेष रूप जिसमें वे साधक के अंतर जगत में प्रकट होते हैं, वह है प्रचंड प्रकाश ज्योतिर्मय स्वरूप। और यही कारण है कि शिव के सहस्त्र नामों में अनेक नाम स्वरूप का वर्णन है, तेजोमय, आलोक, हिरण्य, स्वयं ज्योति, स्तनु ज्योति, आत्म ज्योति, ब्रह्म ज्योति। तो जिज्ञासु कहता है कि अलौकिक प्रकाश कोटि कोटि सूर्यों के समान हम क्या अपने हृदय में देख सकते हैं? तो सूत जी कहते हैं, निसंदेह, मैंने अभी तुम्हें बताया कि ब्रह्मज्ञान द्वारा हम शिव को अपने ध्येय रूप में प्रकट कर सकते हैं, अर्थात साक्षात रूप में, दर्शनी रूप, जिनका साक्षात दर्शन किया जा सके, जिनका प्रकट साक्षात्कार हो सके, और वो शिव पुराण रुद्र संहिता में स्पष्ट है। योगीजन जिन्हें सदा अपने हृदय के भीतर अद्वितीय आत्मज्ञान स्वरूप देखते हैं, उन तेजों में भगवान शंकर को निरंतर हमारा नमन है। परंतु हेवश, अपने अंतर जगत में भगवान शिव को ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन करने की युक्ति, तो वो कहते हैं वो युक्ति मिलेगी हमें सदगुरु से। वह परब्रह्म महान एवं दिव्य है, और वह सूक्ष्म रूप में मनुष्य के अंतःकरण में प्रकाशित होता है। वह परमात्मा दूर से भी दूर और शरीर में छुपा हुआ रहकर अत्यंत समीप से भी समीप है, और उसकी खोज के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ तो देखने वालों की हृदय रूपी गुफा में ही स्थित है। इसलिए भगवान को हम वासुदेव भी कहते हैं, जो सब में वास कर रहा है। पर अब प्रश्न उठता है कि हृदय रूपी गुफा में उस परमात्मा का दर्शन कैसे हो? तो उसका उत्तर देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, ज्योतिषाम अपि ज्योति तजोतमसः परमुच्यते ज्ञान गे ज्ञानम गम्य हृदय सर्वस्य विष्टितम। परमात्मा जो कि ज्योतियों से भी परम ज्योति, अंधकार से परे, सभी के हृदय में स्थित है, उसे तत्वज्ञान अर्थात ब्रह्मज्ञान द्वारा ही जाना जा सकता है। इसलिए महापुरुष जन जन को ब्रह्मज्ञान प्रदान करते हैं, तब मनुष्य अपने हृदय में ईश्वर का साक्षात्कार करता है और उनके तत्व रूप दर्शन कराता है। आनंद स्वरूप ईश्वर का दर्शन करने पर उनका जीवन स्वतः ही आनंदमय हो जाता है। तो यहाँ पर जो प्रतीतात्मक दिख रहा है आँखों से, भगवान कहते हैं कि उसी को हमने धर्म समझ लिया है, लेकिन तत्व रूप से परमात्मा कहाँ है, कैसे है, वो तत्व को पाए हुए सदगुरु के चरणों में बैठते हैं, और उस तत्व को जानने के लिए साधक गुरु के चरणों में बैठ कर के गुरु के बताए हुए मार्गदर्शन में चलता है, तब पता चलता है कि भगवान बाह्य तीर्थों में ही नहीं, वो आत्म तीर्थ में है। लोग बाहर के तीर्थों में जाते हैं, इदम तीर्थम इदम तीर्थम, वो तीर्थ बड़ा है, वो तीर्थ बड़ा है, वो तीर्थ बड़ा है, लेकिन अपने जब तक आत्म तीर्थ में नहीं आते, तब तक कहते हैं कल्याण होता नहीं है। बोले चलो वो तीर्थ बड़ा है, वो तीर्थ बड़ा है, वहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, सबसे बड़ा तीर्थ है आत्म तीर्थ।